रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। रेशियो का सिंपल मतलब आप समझ सकते हो डिवीजन। जैसे डिवीजन अगर हम कहें ए रेशियो बी, इसका मतलब हुआ ए डिवाइडेड बाय बी। ओके अगर कहीं पे हम कहते हैं 2:3, तो इसका मतलब हुआ 2/3। तो एक सेकंड, आप अभी तो एक सेकंड रुको, मैं समझ गया। शायद जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसमें जो रेशियो है वो ये होता है डिवीजन के बराबर ही होता है कि अगर वन और टू का रेशो वगैरह आ जाए तो फिर इसे 1/2 लिखा जाएगा। इसका एक दूसरा मतलब भी समझो। अगर कहीं पे 1/2 लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1:2। सर जी ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट मीनिंग क्या एग्जैक्ट, है? अब हम एग्जैक्ट मतलब आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके क्लास में कभी प्रिंसिपल आए और वो ये जानना चाहे कि आपके क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है। ठीक है, वो बॉय गर्ल रेशो जानना चाहते हैं। अगर मान लो ऐसा जानना चाहते हैं कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स यहां पे लिखा जाएगा, फिर नंबर ऑफ बॉयज। सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास में 30 गर्ल्स और 40 बॉयज है, तो जब इसके रेशियो की बात आएगी तो ये आ जाएगा 30:40। लेकिन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब आपको करना है 30 को 40 के साथ डिवाइड। जब मतलब 30 को 40 के साथ डिवाइड आप करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब हुआ 3:4। मतलब अगर आपके क्लास में एक थर्टी सेकंड एक गर्ल्स सेकंड एक और सेकंड 40 बॉयज है, तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो बना वो बना 3:4। इसका एक और मतलब हो गया, अगर रेशियो आपके पास 3:4 दिया हुआ है, तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 30 है तो बॉयज 40 होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 6 हुआ तो बॉयज जो है 8 हो जाए। अब आप बोलिए। एक से, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर रेशियो में टेंस, नॉर्मल वाले टेंस के टेबल के, नॉर्मल वाला जो 10 है अगर उसके टेबल में कुछ भी आ जाता है तो हम लोग पहले उसको रेशियो में लिखेंगे, फिर फ्रैक्शनल पॉइंट में लिखेंगे, फिर उसके बाद जाके उस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में डालेंगे, फिर उस लोएस्ट टर्म को रेशियो टर्म में डालेंगे, करेक्ट? सिर्फ 10 के मल्टीपल वाला अगर नंबर हो तब नहीं, कोई भी नंबर हो, जब डिवीजन डिवीजन पॉसिबल है तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे मतलब उसको इसे सिंपलेस्ट लोएस्ट टर्म में फॉर्म। लेकर जाना है, फिर रेशियो वाले टर्म में लेकर जाना है ना? फिर ठीक है। अब इसका एक और मतलब समझो, अगर 3:4 आया, इसका मतलब हो गया कि जिस रेशियो में अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 90 हो गया तो ये बॉयज जो है वो 120 हो जाएगा। मतलब थ्री इसका के मतलब टेबल ये कहना पे चाहते हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इन दोनों नंबर्स के साथ अगर हम लोग 2, 3, 10, 12 ऐसे नंबर्स को अगर हम लोग इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के अंदर, तो फिर वो नीचे उसी रिजल्ट में आएगा, करेक्ट? उसी, हाँ वो भी सेम रेशियो में जैसे होगा, इन रेशियो कभी चेंज नंबरों में नहीं हम होगा। लोग, हाँ मैं जानता हूँ रेशियो कभी चेंज नहीं होएगा, लेकिन नंबर चेंज हो जाएंगे, रेशियो नहीं बदलेगा लेकिन नंबर बदल देंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। सबसे ओके पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये ट्राई दीजा गया। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए।